नीमिया के डाढ़ जनी काटवै हा मोरे बाबा हो, नीमिया चिरैया के बा से नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं प्लैनेट भोजपुरिया। जी हां, आज हमारे इस प्लैनेट भोजपुरिया में ऐसी सुगंधित मैं एक प्लैनेट को तोड़ के आपके लिए लाया हूं। नहीं समझे? अरे जनाब, उनका नाम है चंदन तिवारी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चंदन जी, जहाँ तक मुझे पता है आपकी माता जी से ये गुण आपको मिले हैं, एम आई राइट? जी बिल्कुल। नीमिया के डाढ़ जनी काटवै हा मोरे बाबा हो, नीमिया चिरैया के बा से रहो बाबा। बेटी के उरे ठी बोली बोली हा जानी बाबा हो, बेटी चिरैया के समान हो बाबा। बेटी बाप से कह रही है। क्या बात है, कि बहुत खुश। आजकल बेटी को मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, ज़्यादा जो है प्रधान जो बेटे को दिया जाता है प्रधानता, अब वैसा नहीं है, पहले हुआ करता था। तो इनके माँ बाप को बचपन जब ये पैदा हुई होंगी ना, तब से ही मालूम होगा कि हमारी बेटी जो है ना, उसके जो स्वर हैं वो इतने महकेंगे, इतने इस जहां में महक जाएंगे, इसलिए इनका नाम ही शुरू से रख दिया चंदन तिवारी। नहीं, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरे नाना जी जो हैं वो अब रहे नहीं, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था, क्योंकि मैं पहले मतलब खानदान में पहली लड़की थी और हुई थी, तो मेरे नाना जी ने कहा था कि मेरा चंदन आ गया, तब से मेरा नाम जो है वो चंदन प्रचलित हो गया। माता जी तो गाती थी, नानी भी गाती थी, पिताजी का क्या असर था? जब पिताजी क्या चाहते थे आपको बनाना? ऐसा कुछ नहीं था, पिताजी बस ये चाहते थे कि जॉब करे, लड़की है पढ़े लिखे अपने जॉब करे, शादी ब्याह करे, घर जाए। लेकिन जब पिताजी देखने लगे कि नहीं इसको संगीत में ज़्यादा रुचि है, तो पापा ने भी फिर वो रुचि लेना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। जो आस पड़ोस वाले होते हैं, जो गांव घर के लोग होते हैं, जो हमारे सबसे अधिक के जिन हितैषी जो होते हैं, उनका क्या रिएक्शन था? पूछिए मत, वो तो आज भी अगर कुछ कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो पीछे से टांग खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, और वैसा ही होता है हर किसी के साथ। पर आपके भी टांग खींची गई? जी बिल्कुल, सभी कहते हैं कि क्या गाना बजाना कर रही है, इसमें क्या रखा है, पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो। हर घर में सिंगर हैं, बिल्कुल, और डांसर भी हैं, तो ये बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है ना, जिसको जिसमें रुचि हो वो जा सकता है। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? शायद मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग की करती। अच्छा, मैंने कला के क्षेत्र से ही जुड़े रहना था जैसे भी था। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल, नेचुरली माँ बाप शादी के लिए भी होंगे जी। अगर जो आपके हस्बैंड या आपके जो इन लॉज होंगे, मैंने ससुराल वाले जो होंगे, उनको ये बात नहीं पसंद आई तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे लड़के को ढूंढूंगी जो उसके परिवार में भी संगीत का माहौल हो, और वो लड़का भी चाहे और मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करे, मेरी गायकी से मुझे तो पसंद कर रहे हैं। हाँ, बस वो मेरे लिए बेस्ट है। और अगर गायकी से पसंद आ गई उसको, तो घर में सामंजस्य बैठाना, अभी तो आप स्टेज शो करती हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी अब आती हैं, तब कैसे बैठा पाएंगी? थोड़ी दिक्कत नहीं होगी? परेशानी तो हर किसी के लाइफ में आती है, और वो समय, हाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम जो है वो तो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस लाइन को। छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी होनहार बेटी इतना मधुर गाना गाती है, और इसकी जो पसंद है, इनकी जो पसंद है, इनकी मम्मी जो है वो फोक गाती हैं, नानी भी फोक गाती थी, लेकिन इनकी जो पसंद है वो है आज के जो लेटेस्ट गाने हैं वो भी इनको बहुत पसंद है। तो मैं आपके गाए हुए कोई लेटेस्ट गाना जो हो अगर हमारे दर्शकों को सुना दे तो बड़ा मज़ा आएगा। नई हरवा में खेलती अभी दी
चारी नई हरवा में खेलती अभी दिन चारी नई हरवा में खेलती अभी दिन चारी पहले पहले लिया वन तीन जाना आइले नाउ बाभन बारी पैया तोरे लागे बाबा पैया तोरे लागे बाबा अब की भर दाना चारी। क्या बात है, इतनी प्यारी मधुर आवाज। जी तो नहीं चाह रहा हमारा कि हम इनसे ले अलविदा, पर वक्त की कमी के कारण लेना पड़ रहा है हमें इनसे अलविदा। तो यूं ही अपने प्लैनेट से हम नए नए तारे तोड़ के आपको उनसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल प्लैनेट भोजपुरिया। Planet Bhojpuri.